हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 23 करेंगे आज हम। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट दिस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो एंड माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो टू द लाइन इज बी स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं हम इसको पी ले लेते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा जीरो, है ना। इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया डी वन। लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए कोस थीटा, वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू वन, वाई अपॉन बी, सॉरी, और एक दूसरा पॉइंट है उसको हम क्यू ले लेते हैं, इससे जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर देते हैं डी टू से। तो इन दोनों पॉइंट से जो इस लाइन की डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर है, मतलब हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, डी वन मल्टीप्लाई डी टू इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता ही है, ये लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर ये वाला पॉइंट हमारा एक्स वन वाई वन और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके D1 और D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट बाद में करेंगे, पहले एक एक करके निकालते हैं। तो D1 कितना होगा, सभी ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में, इस वाले पॉइंट को x और y की जगह रख देते हैं। एक्स अपॉन ए, सॉरी, एक्स की जगह तो रख ही दिया, अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई की जगह जीरो रखेंगे और वन को इधर ले आएंगे, और अपॉन में कितना होगा, अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। इसको बस मेन काम यही है कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो आपको अच्छे से समझना है। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ए अपॉन ए, और इधर इसका भी एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट करके ए बी हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये ए से ही हमारा कैंसल हो गया।
इसका मतलब हमारा डी वन कितना आ गया, बी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया डी वन। अब हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरली पी और क्यू में क्या फर्क है, माइनस है बस यहाँ पे, तो यानी हम सिमिलरली करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो लिख देते हैं सिमिलरली डी टू इक्वल टू आएगा बी माइनस अपॉन दिस। ठीक है, अब क्योंकि डी टू डिस्टेंस है तो ये दोनों जो माइनस हैं ये पॉजिटिव कर देंगे मॉडुलस में, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमने इस तरह से डी वन और डी टू की वैल्यू निकाल दी। ये समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती तो इसका मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन मोड का साइन अभी भी रहेगा क्योंकि ये जो ए और बी हैं ये सब हमारे वेरिएबल हैं, ये कोई डिजिट नहीं है कि इसका हमने मोड करके पॉजिटिव हो गया, ये अभी भी नेगेटिव हो सकता है अगर ए और बी की वैल्यू को कुछ हम लेंगे, तो इस वजह से मोड रहेगा हमारा। अब हमें क्या करना है, डी वन और डी टू का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट। तो सबको साफ दिख रहा है कि बी स्क्वायर आ जाएगा और इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी और नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यानी आ गया बी स्क्वायर और मोड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लगाने के बाद हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब हमें आंसर क्या लाना है, बी स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर लाना, तो बी स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, तो यानी हम इन दोनों को कैंसिल करना है, तो ये दिखा देना कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर दी, डेनोमिनेटर को तो ऐसे ही रहने देंगे, और अब देखो इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि फिर ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर दोबारा वही बात है, क्योंकि ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और नीचे भी ये हमारा पॉजिटिव ही है, नीचे तो है ही पॉजिटिव, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर आ गया। तो डी वन इंटू डी टू इक्वल टू बी स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। मतलब क्वेश्चन एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं कि इन दोनों पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को हमने डी वन मान लिया, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस को डी टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें बी स्क्वायर प्राप्त
प्रूव करना था। तो हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज करके पहले d1 निकाला है, फिर d2 निकाला है, फिर दोनों का प्रोडक्ट करके बी स्क्वायर प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक्स।